दिस इज योर गर्ल जैश खान। तो आज जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ उसके लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये बात सुन के आप भी बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं। कुंडी लगा दे ना, हुसैन ना पीछे से निकल आए। तो क्या कहते हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि हादी शजैन होते हैं बुच पिलाज में, और अक्सर आपने हमारे व्लॉग्स में देखा भी होगा, हम उधर जाते रहते हैं। और ये छोटी सी कुकू इतने पहले कपड़े पहने हैं कुकू ने। तो हम लोग भी काफ़ी टाइम से बुच पिला में मीन घर वगैरह देख रहे थे, और फाइनली एक घर फाइनल हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो अब हम थोड़े दिन तक होने वाले हैं उधर शिफ्ट। तो सारी मीन तैयारियाँ वगैरह हर चीज़ मैं आपको मीन थोड़े थोड़े करके ऐसे जितने भी क्लिप्स होंगे वो सारे हम बनाते रहेंगे, मैं आपको सारी तैयारियाँ दिखाऊंगी। सो आई एम सो एक्साइटेड। और अभी बारिश आई थी और इतने मज़े का मौसम है, और अब लग नहीं रहा कि मीन बारिश आई थी। तो मैं आपको गली के बाहर से दिखाती हूँ, बाहर पता चल रहा है कि हाँ बारिश आई थी, क्योंकि देखें ओ हो पानी चेक करें, सारा इधर पानी जमा हुआ है। हमारे घर के आगे इस दफ़ा नहीं है, वरना पहले तो हमारे घर के आगे भी होता है। आप क्या बोल रहे हैं, किसने गुस्सा आया आपको हुसैन? और इधर अब ऐसे डब्बे वगैरह सारे आए हुए हैं, और ये जो हमारे कमरे में मीन सारे ये सॉफ्ट टॉयज वगैरह हैं ना, ये सारे अब धुल शुल के आए हैं, साफ शफाफ हुए हैं। ये देखें, ये सारे अच्छी तरह धुले हुए हैं सारे अच्छी तरह, और इनकी रुई वगैरह बस अब इसके अंदर डालनी है, और ये सारी चीज़ें फाइनल हुई हुई हैं। और घर का हुलिया आप देख लें ज़रा, अस्तग़फ़िरुल्लाह। और क्या कहते हैं, इधर ये सारा किचन का सारा सामान पैक शैक, ये सारी मम्मा ने मीन किचन की चीज़ें वगैरह रख दी हैं ऐसे डब्बों के अंदर, सारा सामान शमान पैक हुआ हुआ है। ये देखें ज़रा, ट्रे ग्लास ग्लास हर चीज़। वैसे आप लोगों ने हमारे व्लॉग्स में देखा ही होगा कि हमने जो अपना ऊपर अभी घर था वो थोड़े दिन पहले ही सेट किया था, जैसे मीन ये सोफ़ा न्यू आया था और इस तरह ये सारी चीज़ें वगैरह भी बनी थी। और ये तो इब्राहिम साहब ना टीवी चलाने लगा या पता नहीं क्या करने लगा, हमें ना फाइनल नहीं है कि इसने ना किया क्या, हमें बस इसने आके ये बताया कि ये ना ये यहाँ ना पहले यहाँ साथ अटैच था, ये इब्राहिम साहब ने तोड़ दिया सारा। इसने हमें आके कहा कि ना मैं गिरा और वो गिर गया, जबकि झूठ ऐसा पता चल रहा है, टीवी चलाने लगा है कुछ करने लगा और ये गिर गया। क्या मसला है, आपने क्यों शोर मचाया हुआ है? और ये मीन सारी मीन सेटिंग वगैरह, और ये दीवार तो हमारे पेंट वालों ने ना सत्यानाश किया था, क्योंकि इधर वो जो अलमारी होती थी टॉयज वाली वो टूटी थी ना, उसके बाद जो सारा सीमेंट वगैरह लगी वो गीली थी, तो पेंट किया वो भी सारा ऐसे गीला वीला। और ये ऐसे क्यूट क्यूट से हमने चीज़ें वगैरह भी लगाई थी, और ऐसे बटरफ्लाइज वगैरह, और मेरा रूम भी अभी सेट हुआ था। और ये मेरा रूम, इसका भी मीन अभी ही सारा मीन सेट वेट हुआ था। ये जैसे पहले पर्पल और पिंक पेंट होता था, मैंने ब्लू वगैरह कराया था, और ये इतनी क्यूट क्यूट सी सारी पेंटिंग्स वगैरह लगाई थी मैंने, और न्यू बेड शीट्स वगैरह भी, और ये मेरी ड्रेसिंग। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं, अब मुझे ना ये सारी चीज़ें भी बस मैं अब पैक करके ना बस रख दूंगी, क्योंकि ये हुसैन ने सत्यानाश किया हुआ है। और वैसे भी बस अब मैं यहाँ सेट नहीं करने वाली, अब डायरेक्ट वहाँ जाके ही सेट होंगी ये सारी चीज़ें। और वैसे अभी हालत शालत इग्नोर करें, क्योंकि मीन बस ऐसी ही चीज़ें उधर उधम उधम मचा हुआ है, और सारी अलमारियाँ वगैरह भी मीन खाली शाली होंगी। अभी तो सिर्फ मम्मा ने मीन किचन वगैरह की चीज़ें रखी हैं, बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं। और इसको मैं फीदर दे के बाहर ले जाके आई थी, ये पीछे पीछे आ गया मेरे, ओए गंदू कुकू। तो गाइस कल मम्मा ने सारी मीन प्लेटें ग्लास वगैरह सारी चीज़ें रखी थी, और आज फिर मम्मा मैं आके देखा तो मम्मा किचन में फिर लग गई हैं। कितना सामान है आपके किचन में, इतना निक्कू सा चुन्नू मुन्नू सा ये किचन है, और इतनी चीज़ें निकल रही हैं ना, इतनी अभी ज़्यादा देर है किचन में, बस खाली होगी, देखें खोल के देखते हैं, हमें आप पर यकीन नहीं है, सच्ची खाली होगी। गुड शाबाश, गुड जॉब। तो गाइस इधर अब मैं इन खिलौनों के अंदर भर रही थी रुइयाँ, खिलौनों के अंदर मैं तकियों के अंदर रुई भर रही थी, और क्या कहते हैं अब इसके अंदर डाल ली हैं, और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देर लगने वाली है डालने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो इसके अंदर भी अब जल्दी से डालते हैं रुई। और साथ साथ देख रही थी मैं ऐसे व्लॉग्स, क्योंकि ऐसे खाली काम करते करते आपकी जरिश बोर हो जाती है। तो भाई इधर अब ये सारे भालू शालू के अंदर रुई शुई डल गई है, ये इसके अंदर और ये सब रेडी शेडी ओपन गो हो गए। Several days later. तो गाइस जब मैं आई थी ऊपर, जब मैंने लास्ट क्लिप्स बनाए थे ना उसके तकरीबन एक हफ्ता बाद, और अब मैं आपको दिखाती हूँ तब घर की क्या हालत थी अब क्या हालत है। अब देखें तकरीबन सारी चीज़ें खाली शाली हो गई हैं, ये ड्रॉर्स सारी मैंने खाली कर दी हैं, और अभी मैंने अपनी ये सारी सीनरीज वगैरह भी उतार ली हैं, और अभी बेड खोलने के लिए भी एक अंकल आए हैं वो सारी चीज़ें उतार दें, और मैंने अपनी ये वाली सीनरीज भी सारी उतार ली हैं, और ये सारे मैट्रेस वगैरह, और बाहर की हालत देखें ज़रा, सारा सामान पैक शैक हुआ पड़ा है किचन का भी, और सारा और इधर स्टोर में सारे अटैची स्टैची हर चीज़ पैक है। और भाई इस रूम वाला अब ये बेड शेड हर चीज़ खुल गई है,
और अब जो वो वाला रूम है ना, मेरे वाला जो रूम है, अब उसके बेड वगैरह खुल रहे हैं। अब हम जा रहे हैं जो जिस घर हमने शिफ्ट होना है वो घर देखने, और हम आपको भी दिखाएंगे, खुद भी देखेंगे, तो आज बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, मैं अभी ऊपर दिखा के गई थी, मम्मा कहती घर दिखाया क्या, हशर नशर हुआ है। और ये इधर हुसैन भी रेडी हो गया, मैं भी रेडी स्टडी गो, मम्मा भी रेडी स्टडी गो, और ये घर का हशर नशर घर का हशर नशर। हाँ, ये टेबल बुक भी अंदीला चाची ने कहा था, अगर टेबल बुक मिले ना तो फेंकना ना, मुझे दे देना। ओए, तो गाइस घर के अंदर जैसे एंटर होते हैं, क्यूट सा छोटा मोटा सा गार्डन है, और उसके बाद हम जैसे ही अंदर अब एंटर होते हैं तो क्या कहते हैं, नीचे जाता है सीधा बेसमेंट, इस साइड पे जाहिर सी बात है ड्राइंग रूम, और ये डाइनिंग रूम, और डाइनिंग रूम के साथ कि ये लाउंज, ये किचन। और मैं आपको तेजी तेजी में बता दूँ तो आप बस ऐसे 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 ही सुनते जाएं। और ये ऐसे नीचे दो रूम, और नीचे का ये मेन अब फाइनल हो गया था, नीचे ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं बेसमेंट में, और बेसमेंट में क्या होना है वो आपको थोड़े दिन तक पता चलेगा बेसमेंट में क्या होना है, क्योंकि अभी हमें खुद भी नहीं पता क्या होना है। तो बेसमेंट में क्या कहते हैं, छोटा सा ऐसे छोटा मोटा सा, छोटी मोटी सी ऐसे छोटी मोटी सी जगह देखें। अब आगे बेसमेंट में क्या होता है, अब हम चलते हैं ऊपर, और मैं आपको ऊपर जो जो रूम है ना उसमें आपने गेस करना है मेरा कौन सा होगा, अम्मा वगैरह का कौन सा होगा, और अय्या कौन सा रूम लेगी। कमेंट में आप गेस करें, जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें फिर मैं आपको बताऊंगी कौन कौन सा रूम किस किस ने लिया। तो ऊपर जैसे हम एंटर होते हैं, पहले पहले दरवाजा है क्या कहते हैं बालकनी टेरेस, और एक तो मुझे बालकनी और टेरेस के दरमियान फर्क नहीं पता चलता, कमरे वाली बालकनी होती है ये टेरेस होता है, या वो टेरेस होता है ये बालकनी होता है छोड़ें। तो उसके बाद ऐसे ये लाउंज, उसके बाद ये पहला रूम, आप लोग अब देखते जाएं फिर आप गेस करना कौन सा रूम कौन कौन ले रहा है, ठीक है ना। और ये है पहले रूम का वॉशरूम, ये मैं कहाँ आ गई डायरेक्ट से, नहीं हाँ हाँ ये पहले ही रूम का वॉशरूम था, और एक ये इस साइड पे रूम है, और ये बहुत ही रोशन रोशन है, तो सोच समझ के गैस कीजिएगा। और इसके यहाँ इतनी क्यूट सी बालकनी भी है जो मैं आप गैस करें कौन लेगा और कौन इस बालकनी को प्यारा सा सेट करेगा। और क्या कहते हैं, और इसी रूम के बिल्कुल सामने एक और रूम है, तो आप लोग इसका भी गैस करेगा कि ये रूम भी कौन लेने वाला है। Long days later. और आज मैं आपको इस उस दिन के काफी दिन बाद मिल रही हूँ, और मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं क्लिप्स बनाती जा रही थी, और फिर मैंने कहा मैं बाद में एक ही दफा वॉइस ओवर कर लूंगी। और अब जो बाकी सारा सामान वगैरह था ना, बेड वगैरह और सारी चीजें, अब एक मिनट चक्कर डाला 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 आया हुआ था, तो उसमें सारी चीजें वगैरह जाती जा रही थी, और नीचे से पहले ये चीजें वगैरह गई, उसके बाद ऊपर से सारे पंखे वगैरह और सारी चीजें वगैरह गई, और जो मेरे रूम के बेड सारा मीन एक एक चीज चली गई, एक एक चीज़ जो छोटी मोटी चीज़ें थी वो फिर बाद में हम खुद अपने साथ लेके गए। और अब ये हो गया था फाइनली डाला तैयार।